तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है YouTube पे नंबर वन पे रैंक करे, और YouTube पे अगर कोई सर्च करे आपके चैनल को तो आपका जो चैनल है सर्च पे आए और नंबर वन पे सर्च पे आए YouTube पेज पे। तो गाइस उसे आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो पे पूरा आपको डिटेल्स में आपको लाइव प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो गाइस अगर आप मान लीजिए आप एक नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं और अगर आप कोई अगर नाम रख रहे हैं तो पहले तो आपको करना क्या होगा कि जो आपका चैनल का नाम है आपको यूनिक सा नाम रखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब लोगों को देखा है कि मतलब चैनल को चुनाव में बहुत बड़ा चैनल का नाम रख लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो चैनल का आपका नाम रहता है वो लोगों को याद नहीं रहता है और अगर वो सर्च करने में भी दिक्कत आती गाइस। और दूसरी बात क्या करते हैं लोग कि मतलब अगर नाम भी रखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल बने रहते हैं, तो इसके कारण भी आपका जो चैनल का नाम है वो सर्च पे नहीं आता है। अगर मान लीजिए अगर आप अभी देखा जाए तो टेक्निकल गुरुजी हो गए, टेक्निकल योगी जी हो गए, ये बड़े यूट्यूबर है, अगर आप इनका नाम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका चैनल रैंक पे नहीं आएगा और आपका जो चैनल है सर्च पे कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर आप एक नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं और नया चैनल बना रहे हैं और अगर आप नाम रख रहे हैं चैनल का, तो आपको दो टिप्स जरूर फॉलो करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपका चैनल सर्च पे 100% आएगा, वो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस। तो वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे पूरा मैं आपको डिटेल्स में लाइव प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब एप्लीकेशन पर आ जाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका चैनल का लोगो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन इनकोंग जिनोटो का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा जैसे नए फ़ोन पर रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च पर आना है एंड सर्च पर आने के बाद जो भी आपका चैनल का नाम है आपको यहाँ पर टाइप करना है जो आप लिखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ YMBT शॉर्ट, तो इसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मतलब नाम से यहाँ पे चैनल पहले से बना है तो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चैनल का, आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चैनल है इस चैनल से नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ है एक चैनल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा चैनल सर्च कर लेता हूँ, तो चलिए मैं दूसरा चैनल जैसे YMBT मान लीजिए टेक का अगर बनाना है मुझे, टेक से रिलेटेड रखना है तो यहाँ पे इसको भी सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मतलब नाम से यहाँ पे कोई भी चैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अगर और फाइंड आउट करना है तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे 3 डॉट पे, फिल्टर पे आएंगे, आल पे क्लिक करेंगे एंड चैनल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं इस नाम से यहाँ पे अभी कोई भी चैनल यहाँ पे नहीं है। तो गाइस ऐसे ही आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ से कि जो मैं चैनल का नाम रख रहा हूँ तो उस नाम से रिलेटेड कोई चैनल यूट्यूब पे पहले से ही तो नहीं बना है, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एंड इसके बाद जैसे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो दूसरा जो आपको काम करना है तो आप क्या करना है अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। तो गाइस जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है क्रोम ब्राउज़र पे आपका जो चैनल है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन किया था तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पेज है डेस्कटॉप साइड मोड पे है और यहाँ पे ऐसा ओपन हो जाएगा इंटरफेस। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं चलिए चुप करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे चैनल का लोगो दिखेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्रिएटर स्टूडियो पे आप क्लिक कर दें तो गाइस आपके सामने ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जूम करना है और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है चैनल का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप जो आपका कंट्री है कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका कंट्री है मैं यहाँ से पहले से सिलेक्ट किया था। इसके बाद कीवर्ड, आपको यहाँ पे कीवर्ड अपना आपका जो चैनल है जिस कैटेगरी से आप रिलेटेड आप वीडियोज़ बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो
आपको क्या करना है ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कीवर्ड्स जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ और जो मेरा चैनल है मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि आप यहाँ पे 500 वर्ड्स पे आप यहाँ पे कीवर्ड को आप यहाँ से लिख सकते हैं, टैग लगा सकते हैं अपने वीडियो पे। तो गाइस अगर आप ये दो सेटिंग अपने यूट्यूब चैनल पे कर लेंगे तो आपका जो चैनल है नंबर वन पे 100% सर्च पे आने लगेगा गाइस। तो गाइस कैसे लगे आज की वीडियो दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो मेरे से आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू गाइस, टेक केयर।